नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यूपी 9 बजे। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। ये सबसे पहले बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। प्रदेश में अब ग्रामीण इलाकों में रात को भी बेहतर इलाज की सुविधा मिलने जा रही है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सीएचसी और पीएचसी पर डॉक्टर रात में विश्राम करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अमल करते हुए सीएमओ ने इस व्यवस्था को लागू कर दिया है। सीएचसी पर सुबह 8 बजे से 2 बजे तक ओपीडी चलेगी और इसके बाद 2 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक मरीजों को इमरजेंसी में देखा जाएगा। वहीं पीएचसी पर सुबह 8 बजे से 2 बजे तक चलती ओपीडी रहेगी और सीएमओ खुद औचक जांच करेंगे और डॉक्टर और गैर हाजिर मिलेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। प्रशासन भी डॉक्टरों के रात्रि विश्राम की रैंडम जांच कराएगा। ये भी एक बड़ी जानकारी मिल रही है। तो सीएम के निर्देश पर यह औचक निरीक्षण किया जाएगा। रामगोपाल द्विवेदी ज्यादा जानकारी इस खबर पर देंगे। रामगोपाल, सीएमओ और प्रशासन निगरानी भी करेगा और बेहतर सुविधा रात के वक्त भी जो मरीज है उन्हें मिल पाएगी कह सकते हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों जिस तरीके से बैठक की और बैठक के बाद दिशा निर्देश दिया था कि सीएचसी पे बेहतर इलाज लोगों को मिलना चाहिए। जो बार बार शिकायतें आती थी कि डॉक्टर के न रहने के कारण मरीज की स्थिति बिगड़ गई, उसको हायर सेंटर रेफर करना पड़ा, तो अब वो बर्दाश्त नहीं होगा। और उन्होंने बाकायदा मीटिंग में एक सख्त निर्देश जारी किया था, जिसके बाद जो है जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी उसमें और सख्ती की गई है। अब जितने भी सीएससी हैं, सीएससी पे अब डॉक्टरों को हर हाल में रुकना होगा। अभी तक औचक निरीक्षण में उनको सिर्फ जो है नोटिस जारी की जाती थी, लेकिन अब उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी कि अगर डॉक्टर सीएससी पे मौजूद नहीं है इमरजेंसी ड्यूटी के लिए तो उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सीएमओ अपने स्तर से, जो सीएमओ की टीम है वो तो जाँच करेगी ही, सीएमओ जाँच करेंगे, साथ ही जिला प्रशासन जो है उसकी अब मॉनिटरिंग करेगा, उसकी निगरानी करेगा कि जरूरत पड़ने पे वो भी औचक निरीक्षण करेगा, और जिससे ग्रामीण इलाके जो है ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके और ग्रामीणों को हायर सेंटर तत्काल ना रेफर करना पड़े। जो उनका प्राथमिक इलाज है वो 2 बजे के बाद से सुबह अगले दिन 8 बजे तक उनका हो सके। तो इस कड़ी में जो है गोरखपुर में भी ये व्यवस्था लागू हो गई है। जी ठीक है, गोरखपुर में भी लागू हो चुकी है ये व्यवस्था और बाकी जगहों पर भी होनी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, रामगोपाल द्विवेदी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की पहाड़ियों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश के चलते दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है और दिल्ली में नदी का जलस्तर 204.5 मीटर के चेतावनी निशान को पार कर गया है। इस वजह से एक बार फिर से दिल्ली वालों की धड़कनें तेज हो गई हैं। पिछली बार यमुना में आई बाढ़ ने दिल्ली में भयंकर नुकसान किया था, कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी और दिल्ली पर फिर से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। राहत बचाव टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। वजीराबाद से लेकर ओखला तक निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और दिल्ली प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। तो दिल्ली में फिर से यमुना का जलस्तर बढ़ गया है, दिल्ली पर फिर से खतरा मंडरा रहा है और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। संदीप पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संदीप, परेशानी लोगों की किस कदर बढ़ गई थी ये हमने पहले भी देखा जब लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा था, अभी क्या हालात बने हुए हैं फिलहाल दिल्ली में? देखिए, पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, इसके चलते मैदानी इलाकों में आफत बढ़ने लगी है। दिल्ली में भी यमुना का जल स्तर पिछले 3 दिनों से लगातार बढ़ रहा है और आज खतरे के निशान के पार हो गया। हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट आकाश से कहेंगे कि दिल्ली की वो तस्वीरें दिखाएं जहां पे यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। ये रेलवे ब्रिज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यमुना का जल स्तर
205.43 मीटर तक पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान के पार। आपको बता दें कि तीन दिन से लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। ये पुराने रेलवे ब्रिज है जहां पर यमुना का सोमवार को जल स्तर था 203.48 मीटर, वहीं मंगलवार शाम 6 बजे तक ये 204.94 मीटर पहुंच गया है। वहीं आज सुबह 5 बजे राजधानी दिल्ली में यमुना का जल स्तर 205.43 पहुंच गया है, जो कि खतरे के निशान से 204.50 से ज्यादा है। यानी कि अब दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में सभी टीमें अलर्ट कर दी गई हैं और लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी गई, क्योंकि तमाम झुग्गी झोपड़ी के वासी हैं जो कि यमुना के नीचे इलाके में रहते हैं, जहां पे ये जल पहुंचने का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में टीम्स अलर्ट कर दी गई हैं, एसटीआरएफ की भी टीम अलर्ट कर दी गई है, क्योंकि किसी भी समय रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। इसको लेकर पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यमुना में धार बनी हुई है और ये हथनी कुंड से पानी आ रहा है, और हथनी कुंड का बहाव इस समय जो है 30,153 क्यूसेक दर्ज किया गया है। ऐसे में अगर पहाड़ों पर बारिश निचले इलाकों में फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक माह बाद फिर से यहां पर यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। जुलाई में दिल्ली ने बाढ़ की विभीषिका झेली है, करोड़ों का नुकसान हुआ है और 27,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित करना पड़ रहा था। ऐसे में इस बार प्रशासन फिर से अलर्ट है, जो लोग यमुना के निचले इलाके में रहते हैं उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की सलाह दी जा रही है, ताकि विषम परिस्थितियों से गुजरना ना पड़े। वहीं यमुना का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले तीन दिनों से लगातार इसमें वृद्धि देखी जा रही है। लोगों को अलर्ट कर दिया गया है कि वो अपने सुरक्षित स्थान पर रहे, ताकि विषम परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ संदीप पांडे। अच्छा संदीप, मौसम विभाग क्या कुछ कहता है, मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा गया है, कब तक ऐसी बारिश का दौर पहाड़ों पर जारी रहेगा और इसका सीधा असर मैदानी इलाकों में या फिर हम कहें कि दिल्ली में यमुना के जलस्तर पर देखा जाएगा, तो प्रशासन की भी क्या कुछ तैयारी है कि अगर जलस्तर फिर से बढ़ जाता है तो उसके लिए क्या इंतजाम है? देखिए, मौसम विभाग का कहना है यह मानसून का मध्य समय चल रहा है, पहाड़ों पर लगातार बारिश का अलर्ट जारी है, अभी वहां पे बारिश जारी रहेगी। ऐसे में यमुना का जल स्तर अभी बढ़ना तय है, लिहाजा प्रशासन भी अलर्ट है, रेस्क्यू टीम अलर्ट कर दी गई है और लोगों को सलाह भी दी जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, निचले इलाकों को खाली कर दें, क्योंकि यमुना का स्तर जैसे पिछले तीन दिनों में आकलन किया गया है लगातार बढ़ रहा है और आज खतरे के निशान के पार कर गया है। लिहाजा लोगों को यही सलाह दी जा रही है कि वो अपने सुरक्षित स्थानों पर जाएं, अभी निचले इलाकों में ना रहें, क्योंकि मौसम विभाग लगातार पहाड़ों पर बारिश का अलर्ट जारी कर रहा है और वहां से पानी सीधे यमुना में आएगा और हथनी कुंड पे जल की मात्रा अधिक होने पर उसे छोड़ा जाएगा, जिससे दिल्ली में पानी की मात्रा बढ़ना लगभग तय है। ऐसे में लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यमुना की धार बनी हुई है, और कुछ पिछले एक महीने में यहाँ पे दिल्ली ने बाढ़ की विभीषिका झेली थी, 27,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचाया गया था और करोड़ों का नुकसान हुआ था। इस दरमियान कई दिल्ली के जो प्रमुख इलाके थे वहां जल भराव हो गया था और तमाम इलाकों में पेयजल की आपूर्ति भी बाधित हो गई थी, क्योंकि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट थे वो भी बाढ़ की चपेट में आ गए थे, उनमें जल भराव हो गया था। इसके चलते अभी से प्रशासन अलर्ट है, इस बार पूरी तरीके से मुस्तैद है, वो पिछली गलतियों को नहीं दोहराएगा और जो भी विषम परिस्थिति होगी उसको समयगत निस्तारण करने का प्रयास करेगा। इस तरीके से अधिकारियों का तैयारी चल रही है, हालांकि अभी तक ये अधिकारी निश्चिंत है कि पिछली जैसी विषम परिस्थिति नहीं आएगी, लेकिन निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका बनी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका संदीप पांडे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 5वीं पुण्यतिथि थी और इस मौके पर सदैव अटल समाधि स्थल पर अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए नेताओं का तांता लगा हुआ देखा गया, तो सुबह सवेरे ही श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये तमाम नेता पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदैव अटल समाधि स्थल पर पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित की।
पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 93 साल की उम्र में 16 अगस्त 2018 में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और साल 1998 से लेकर 2004 तक उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा किया था। अटल जी को बीजेपी के सर्वोच्च नेताओं में से एक माना जाता है, जिनकी अगुवाई में बीजेपी का उदय हुआ और सत्ता तक का सफर तय हुआ। वहीं सीएम योगी लखनऊ में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीएम योगी लोकभवन में अटल जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। तो अटल जी को सीएम योगी आदित्यनाथ भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते हैं। मऊ की घोसी विधानसभा सीट के लिए बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान नामांकन भरेंगे और इसको लेकर आज मऊ में बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगने जा रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सरकार के कई मंत्री नामांकन के वक्त यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता भी होंगे और SBSP के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, अपना दल के आशीष पटेल भी मौजूद रहेंगे और नामांकन के बाद कोपागंज क्षेत्र के बापू इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा होगी। SP ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है और माना जा रहा है कि घोसी विधानसभा उपचुनाव BSP कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। बागेश्वर उपचुनाव के लिए आज बीजेपी के प्रत्याशी पार्वती दास अपना नामांकन भरने वाली हैं। नामांकन के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कई कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने आज होने वाले नामांकन के लिए अपनी रणनीति बना ली है और इस दौरान एक बड़ी जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी गुरुवार को अपना नामांकन भरेंगे तो सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे और कई कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। बागेश्वर उपचुनाव के लिए भी आज पर्चा दाखिल किया जाना है, यानी कि नामांकन भरा जाना है पार्वती दास की ओर से। तो घोसी और बागेश्वर दोनों जगहों पर उपचुनाव होने हैं और दोनों जगहों पर नामांकन आज भरा जाएगा और शक्ति प्रदर्शन के साथ जो उम्मीदवार है वो नामांकन भरते हुए दिखाई देंगे। कई कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहेंगे, महेंद्र भट्ट भी यहां पर मौजूद रहेंगे। ये हम बात कर रहे हैं बागेश्वर उपचुनाव की। तो वहीं घोसी उपचुनाव की बात करें तो वहां पर तमाम यूपी में योगी कैबिनेट के बड़े नेता मौजूद रहने वाले थे और साथ ही साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे और दोनों ही जगहों पर जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ उम्मीदवार जो नामांकन भरेंगे वो शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन भरेंगे। तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। चलिए सीधा रुख करते हैं घोसी से। अभिषेक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, घोसी उपचुनाव को लेकर भी आज नामांकन भरा जाना है, ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी तो मौजूद रहेंगे, उसके अलावा और कौन कौन से बड़े नेता शामिल हो सकते हैं इस नामांकन में? जी देखिए, बिल्कुल देखिए, भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, और उनके साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और दारा सिंह चौहान के नामांकन में पहुंचे, उसमें कई कैबिनेट के मंत्री, करीब एक दर्जन मंत्री जो है वो मऊ पहुंच रहे हैं। लगातार उनका प्रोटोकॉल आ रहा है। लगातार ओम प्रकाश राजभर जो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के उनसे गठबंधन है वो पहुंच रहे हैं। अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल भी पहुंच रहे हैं। संजय निषाद जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पहुंच रहे हैं। जैसे परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह पहुंच रहे हैं और दानिश आजाद है और केवल जो ओम प्रकाश राजभर के जो जितने कार्यकर्ता हैं उनको अपने साथ जाने की दावा कर रहे हैं और लगातार वहां पे भीड़ भी बढ़ रही है। जहां कार्यक्रम स्थल बनाया है काफी कार्यकर्ताओं की भीड़ भी वहां पे इकट्ठा होना, लेकिन इस बार दारा सिंह चौहान की जो माने घोसी उपचुनाव होने हैं उस पर दारा सिंह चौहान की दावा प्रष्ठा दाव पर लगी है, जहां दारा सिंह चौहान इस बार बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए। लेकिन दारा सिंह चौहान अगले बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे और जीत कर विधानसभा में पहुंचे थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद दारा सिंह चौहान अब उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए गए। लेकिन उनके सामने एक बाहुबली नेता सुधाकर सिंह है जो पूर्वांचल और घोसी में काफी पकड़ रखते हैं, 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन घोसी उपचुनाव में सारे
प्रदेश के लोगों की नजर है और जनता की नजर है कि इस बार घोसी उपचुनाव ही तय करेगी 2024 में कौन 2024 में घोसी उपचुनाव को लेकर जो भी नर्ते आएंगे उस पर 2024 का पर ही माना जा रहा है कि बीजेपी पूरी तैयारी बनाकर इस पूरे मामले में और पूरे पर नजर बनाई है उपचुनाव पर। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कई बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं और खुद ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे और शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन भरा जाएगा घोसी उपचुनाव को लेकर। बहुत शुक्रिया अभिषेक राय आपका तमाम जानकारी के लिए। और न्यूज 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।